हेलो गाइस, आज मेरे पास है पेप्लस स्कूटरी BS6 है, जो कि इस स्कूटर में क्या हुआ है, हमारे पास आई हुई थी बंद होकर, जो कि स्कूटरी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। सब चीज़ें ओके हैं, जो पेट्रोल हो गया, फ्यूल पंप हो गया, टैंक हो गया, करंट ग्रू, सब कुछ ओके, फिर भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्कूटरी आ रही है जो कि मैकेनिक की तरह से चेक करता है, सभी चीज़ें मैंने इसमें चेक की, हमारी सब कुछ ओके है, तो भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा एक बताऊं तो जो कि हम पे टैब नहीं है, तो टैब हम इस पे यूज नहीं करेंगे, जो कि टैब हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो बिना टैब के इसका सलूशन निकालूंगा। पहले मैकेनिक क्या क्या चीज़ें चेक करता है और मैंने क्या क्या चीज़ें चेक की इसमें, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ें मैंने चेक कर दी जो कि नॉर्मल मैकेनिक चेक करता है, ठीक है। जो चीज़ें हो, यहाँ सबसे पहले मैं इसका फ्यूल पम्प चेक करेंगे, जो कि मैकेनिक चेक करता है, जो कि जब तक आपकी स्कूटरी में फ्यूल पम्प नहीं आएगा तब तक आपकी स्कूटरी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन मैंने ये सब कुछ मैंने पहले चेक किया, जो कि आपको मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें चेक की, तब भी हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। जो चीज़ें मैंने चेक की सब कुछ ओके है, ठीक है, फिर भी हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, पेप्लस BS6 स्कूटरी। अगर आपके पास ऐसी स्कूटरी है तो भाई पूरा वीडियो देख लेना, आपको इस वीडियो में फुल नॉलेज मिलेगी, ठीक है। जहाँ से मैंने फ्यूल पंप का कपड़ा निकाल लिया है, मैं चाबी ऑन करता हूँ, देखिए फ्यूल पंप हमारा ओके है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर के साथ हमारा फ्यूल पंप आ रहा है, ठीक है। स्कूटरी फिर भी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या चेक किया, उसके बाद मैंने एग्जेक्टर इसका चेक किया, ठीक है, एग्जेक्टर मैंने लगा दिया इसमें। उसके बाद मैंने इस यहाँ पर एग्जेक्टर हमारा प्रॉपर छिड़काव कर रहा है। उसके बाद मैंने इसका प्लग जो करंट होता है वो भी मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो करंट भी हमारी स्कूटरी में आ रहा है, ठीक है, तो भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। जो जो चीज़ मैंने चेक की इसमें वो चीज़ें सब कुछ ओके हैं, ठीक है, फिर भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करंट भी चेक करके आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए स्पार्क कर रही है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर, रुक ये देखिए लाइट स्पार्क कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट हमारा स्पार्क कर रही है बाइक स्कूटरी, सॉरी देख सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊँ, मैंने ये सब कुछ चेक करने के बाद मैंने इसकी टैप ट्यूब भी चेक की, टैप ट्यूब हमारी ओके है, और इसमें मैं स्पार्क प्लग भी इसमें न्यू डाला है, ठीक है। टैप ट्यूब हमारे चेक कर लिए भाई, मैंने कि सारी टैप टैट हो जाती है तो भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं होती, टैप हमारी भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है टैप में, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें क्या चेक किया, इसकी थ्रोटल बॉडी के सेंसर सारे चेक किए मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर सारे सेंसर हमारे ठीक है, थ्रोटल बॉडी मैंने साफ़ करके फिर फिटिंग कर दी, तो भी हमारी स्कूटरी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। देख सकते हो भाई ऐसी प्रॉब्लम फंसती है कभी कभार BS6 स्कूटरी में, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है उस वीडियो को पूरा देख लेना, जो मैंने चीज़ें बताई हैं नॉर्मल आपकी चीज़ें ओके होनी चाहिए। जब जाकर इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट देखा तो यहाँ पर मैंने क्या है, टेम्परेचर सेंसर इसको कपड़ा निकाल के भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है, यहाँ पर कपड़ा निकाल के हमारी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, कपड़ा निकाल देते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक चौक लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या इसके टेम्परेचर को खोला मैंने, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो टेम्परेचर सेंसर मैंने इसको खोल लिया यहाँ से, जो कि पेप्रेस के नीचे होता है, यहाँ पर इंजन के नीचे। तो मैंने क्या किया, एक्सेल 100 का होता है टेम्परेचर सेंसर, तो मैंने इसमें लगा के फिटिंग किया, ठीक है, स्टार्ट होती देखते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं होती तो हम इसकी वायरिंग चेक करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर की। पहले हम इसमें सेंसर लगा के इसको स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं, ठीक है। ये वीडियो में भाई बहुत देर तंग रहा है स्कूटरी में, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया मुझे लगे हुए। तो यहाँ पर मैंने सेंसर फिटिंग कर दिया, ठीक है, तो इसमें कपलर को लगाता हूँ, फिर आपको स्कूटरी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पुराना सेंसर भी आपको मैं दिखाता हूँ, मैं निकाल के रखा हुआ है, ये मैंने टेम्परेचर सेंसर लिया है एक्सेल का, और वो रखा है हमारा पेप्लस का, ठीक है। स्कूटी को स्टार्ट करता हूँ, और हेड में मैंने मुगलैल भी डाल के देख लिया, तो भी हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। इसमें हेड में मैंने मुगलैल डाला था, जो कि अब स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, तो मुगलैल देखना कितना मारेगी स्कूटरी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ स्कूटरी को, कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, लाइव प्रूफ आपके साथ, ठीक है, जैसी वीडियो रिकॉर्ड हुई वैसी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखिए, और मुगलैल हमारी स्कूटरी मारी, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मैंने इसके हेड में मुगलैल डाला था, ठीक है। सब कुछ मैं जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें ओके होने के बाद बाद में मैंने इसका टेम्परेचर सेंसर चेक किया, तो टेम्परेचर सेंसर हमारा ख़राब था,
जिसके कारण हमारी पेप प्लस स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपकी पेप प्लस, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही थी, जो कि आपको पता होगा, जो कि आपकी स्कूटरी स्टार्ट हो जाए तो आपकी चेक इंजन लाइट बंद हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि स्कूटरी हमारी स्टार्ट ही नहीं आई हुई थी, पीछे से बंद आई हुई थी, कस्टमर लेकर आया था, जो कि स्टार्ट नहीं होती। इसमें कंफ्यूजन ये हो रही थी कि स्कूटरी हमें स्टार्ट हो जाती तो हम पता चल जाते कि हमारा सेंसर ख़राब है, नहीं हमें पता नहीं चल रहा था, जो कि हम पहले स्कूटरी को स्टार्ट करते फिर जाकर हम सेंसर को चेक करते, जब जाकर हमें प्रॉब्लम का छोटा आउट मिलता। लेकिन ये सभी चीज़ देखने के बाद लास्ट में जाकर हमें इसका सेंसर चेक करना पड़ा, जो डालना पड़ा, जिसके कारण हमारी स्कूटरी स्टार्ट हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूटरी ऑन ऑफ की है, और ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आए तो ये टेम्परेचर सेंसर को आप डाल के देख लेना, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती सबसे पहले सेंसर को डाल के देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट निकल जाएगा, जो कि आपको इतना चीज़ें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने एक्सेल 100 का लिया हुआ है सेंसर, आप किसी भी स्कूटी का डाल सकते हो या बाइक का डाल सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।